हो गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का खुल नहीं पाया ताला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। अब दो कड़ी है जो आज भी वर्तमान की है। राम रहीम को देखो भाई, जिसके 6 करोड़ भक्त है, 40 आदमियों को मरवा दिया उसने। राम रहीम को देखो भाई, नाम दान दे दर्शन रहो कराई, उपने अपनी शिष्या से अरे रेप कर डाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए वो कृपाला, अब जेल में पड़े लाला। बड़ी शान से नाम लेकर के तेरा तान तान सीना जिए जा रहे हैं, तेरे नाम की भीम संजीवनी से मुर्दे भी जिंदे किए जा रहे हैं। हम तो मुर्दे थे, अभी बाबा साहब का नाटक चल रहा है टीवी पे, जो लोग देखते होंगे। क्या पोजीशन है हमारी? हमने जो बाबा साहब के वजह से, तो साथियों बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं दे सकता। बहुत से लोग भगवानों की पूजा करते हैं, और हकीकत में जो भगवान के खुद के बंदे हैं, जो रोज मानते हैं भगवान को, उनका भी भगवान साथ नहीं देता। मैं बाद में गाना सुनाऊंगा दो लाइन का। साथियों आज हम जो ये मीटिंग करते हैं, जब बाबा साहब ने हमें सारी जिंदगी 1920 से लेकर 1956 तक एक एक दिन हमारे लिए काम किया, और 1935 में जब उन्होंने एक नासिक में सभा की, उस सभा में एक लेटर लिखा था पहले 1932 में पुणे पैक्ट होने के बाद, उस पैक्ट में लिखा उन्होंने कि भाई अब भारत में समता आएगी, मैंने पुणे पैक्ट कर दिया है। तो जो हमारे शंकराचार्य थे उनको एक लेटर लिखा बाबा साहब ने कि मैं ये चाहता हूँ कि समाज में समता आए, तो उसके लिए आप एक शूद्र वर्ण से भी शंकराचार्य बना दीजिए। सन 1932 का लिखा हुआ लेटर सन 1935 में उसका जवाब आया। बाबा साहब नासिक में बोल रहे थे, तब उन्हें बताया कि बाबा साहब आपका एक लेटर आया जवाब है। बाबा साहब ने बैठे मंच में लेटर पढ़ा, और लेटर को पढ़ के बड़े दुखी हुए। उसमें लिखा था कि अंबेडकर, अंग्रेजों ने तेरे को पुणे पैक्ट में अधिकार दे दिए हैं, पर हम तुम्हें शंकराचार्य नहीं बना सकते, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। इस भावना को देख के बाबा साहब ने उसी मंच से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। साथियों हमारे लोग सभी कहते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, पर मैं जब उस हकीकत में देखता हूँ तो हकीकत हमारी कथनी करनी में फर्क है। बाबा साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। तथागत बुद्ध क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। मांडवर काशीराम साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। उन्होंने पूरा जीवन मन से लगाया। आज हमारे मित्र एडवोकेट IR साहब ये काम कर रहे हैं, इन्हें कोई और शक्ति नहीं है, इनकी मन की शक्ति है कि मैं बाबा साहब का प्रचार करूंगा, बाबा साहब का प्रचार करूंगा। तो ये साल में 2-3-4 प्रोग्राम करते हैं। तो साथियों यही बात मैं बताना चाहता हूं कि मन में जब तक नहीं आएगा कि मैं बौद्ध बनूंगा। सभी लोग बेचारी महिलाओं को दोष देते हैं, हमारी बहन भी एक दोष दे गई कि भाई महिला नहीं मानती है। इस भारत में पुरुष प्रधान देश है, किसी के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, आज जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आपके घर में घरवाली की चलती है, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मेरी घरवाली की चलती है, नहीं कहेगा ना। परंतु जब बौद्ध धर्म की बात आती है, तो सीधा साफ निकल जाता है, मेरी घरवाली नहीं मानती। अरे मक्कार, तू नहीं मानता। हमारे लोग दुनिया की बात करते हैं, जिस दिन तुमने घर को साफ करना शुरू कर दिया, दूसरे के लिए तो काम करना छोड़ दो, जिस दिन तुमने घर को साफ कर दिया, घर में लड़की भी बहुत दो, लड़का भी बहुत दो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत दो, तो साथियों इस बौद्ध धर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि भाई मुझे हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा है, कि बदबू रहेगी मुर्दों में,
चाहे डकदो फूल गुलाबों में, सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में। इन नफरत भरे शास्त्रों से सारांश निचोड़ चलाऊं, बौद्ध धर्म अपनाया हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। साथियों, बाबा साहब ने बड़े पीड़ा के साथ कहा और आगे कहते हैं कि जीवन भर संघर्ष किया मैंने पत्थर दिल जानों से और जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए चीन के बेई मानों से। साथियों, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसी के बल पे बाबा साहब ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। सन 1920 से लेके सन 1956 एक एक दिन तक उन्होंने हमारी सेवा की और जाते टाइम उनके मन में आया कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरे लोगों तुम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। आज भी किसी के घर में माँ बाप बीमार होता है, मरने की स्थिति में होता है, यदि वो ये कह दे कि बेटे मैं तो रबड़ी खाऊंगा तो चाहे चार कोस में मिले रात में उसे ला करके देगा। परंतु इतना बड़ा महापुरुष जिसने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, हम उसकी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। इधर मुंह फेर लेते हैं मेरी बीवी नहीं मानती, इधर मुंह फेर लेते हैं मेरा बेटा नहीं मानता। हकीकत तो है कि तू नहीं मानता। पूजा करते हैं, अच्छा हम पूजा करते, हमारी पूजा तो वो स्वीकार करता ही नहीं पहले से ही है। परंतु जो उनकी पूजा करते हैं, जिनको हम श्रवण लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, रामायण में एक चौपाई है कि दीन दयाल बिरज संभारी हरो कले तमम संकट भारी। एक बार उस परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो सारे संकट कट जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, अब कहाँ गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला, अब कहाँ गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला। कैसी कथा सुनाते हैं कि मोर द्वज का कुमर चीर कर खुद जिंदा कर दीना था, और रामचंद्र के घर के मर गए एक न जिंदा की ना था। ना तू राम गौड़ से गांधी मारे तब नहीं कियो खयाला, तब कहा गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला। गांधी तो हिराम कहते ही मरे थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे लोग केवल अंधविश्वास में पड़े हुए, ये उनका धंधा है। और जिस दिन का धंधा बंद हो जाएगा, आगे कहते हैं हर दौलत कुमार जहर से मर गए, मीरा ने जहर पचाया था, और द्रौपदी नगी ने होन नहीं दीनी आय के चीर बढ़ाया था। जब हिंदू ने रोला मुस्लिम लूटे तब कहाँ गए वो कृपाला, बक्तन के काट दिए जाला तब कहाँ गए दीन दयाला, बक्तन के काट दिए जाला तब कहाँ गए दीन दयाला। अजमेर में हालत हुई, हजारों रानी कूद के मर गई, सोने के महल सुदामा के बन गए। एक बार गया था, सोने के महल सुदामा के बन गए, नरसी की गाड़ी यहाँ की थी, और अडवाणी को तुझरो जेल में धरी राम की झांकी थी, और बस नहीं चलो निकल नहीं पाए दशरथ के लाला, तब कहा गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला, तब कहा गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला। वसुदेव देव की कंस भूप ने दोनों पकड़ी जेल बंद किए, श्री कृष्ण का जन्म हुआ जब फाटक खुले पैरुआ सो गए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का खुल नहीं पाया ताला, तब कहाँ गए दीन दयाला बक्तन के काट दे जाला। अब दो कड़ी है जो आज की वर्तमान की है, राम रहीम को देखो भाई, जिसके 6 करोड़ भक्त है, 40 आदमियों को मरवा दिया उसने। राम रहीम को देखो भाई नाम दान दे दर्शन रहो कराई, उपने अपनी शिष्या से अरे रेप कर डाला, अब जेल में पड़े लाला अब कहाँ गए वो कृपाला, अब जेल में पड़े लाला अब कहाँ गए वो कृपाला। आसाराम बाबू को देखो भाई जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, ऐसे करके जयराम जी करके फूल डालता था, जो लड़की सुंदर दिखती थी उधर फूल फेंकता था, जो उसके कर्मचारी थे उसे वो बाबा से मिलाते थे स्पेशल। आसाराम बापू को देखो भाई जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, उसने 16 साल की बाला से अरे रेप कर डाला, और जेल में पड़े लाला अब कहाँ गए दीन दयाला, अब जेल में पड़े लाला अब कहाँ गए दीन दयाला। और तो हमारी नहीं जानवरों की सुनता है,
गजोर ग्राहक लड़े जलंधर, गजोर ग्राहक लड़े जलंधर, जोवर सूल रही जलऊ पर, तब गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु को आए, प्रभु ने आए गज को वारा, और ऊना में देखो चार दल दल की मारो तार दई खाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, तब ना जाए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला। ए दल तो सुधर जाओ, तुम्हें बुद्ध के रास्ते के बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुंडे और कर्मचारी सब, गुंडे और कर्मचारी सब दीनन का खून चूसते हैं, आज भी ईश्वर कहाँ चले गए जो न सुमिरते और पूजते हैं। तेज सिंह बौद्ध के या दुनिया में खिंच रही दीनन की काला, अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। जय भीम, नमो बुद्धाय।